तो देखो गाइज, ये हर यूट्यूबर के साथ होता है, मीन्स मेरे को नहीं पता क्यों होता है लेकिन होता है, ठीक है। अरे कहना क्या चाहते हो? प्रमोशन, सब्सक्राइबर्स, व्यूज और पैसा। मीन्स यार चलो तुमको पहले से कहानी सुनाता हूँ। तो ये लगभग 2 या 3 हफ्ते की बात है जब मेरे को एक कमेंट आता है। मैं दुनिया हिला दूंगा। क्या माहिला? अरे अरे यार तुम तो गलत समझ लिए भाई, मेरे को अलकायदा का कमेंट नहीं आया था, मेरे को एक कमेंट आता है कि भाई मेरे चैनल का प्रमोशन कर दो प्लीज। मीन्स यार आपको सही में लगता है कि मेरे प्रमोशन करने से आपके हजारों व्यूज आ जाएंगे? यहाँ मेरे तो व्यूज आते नहीं है भाई, मैं आपका प्रमोशन कैसे करूंगा? मीन्स व्यूज आते हैं लेकिन मेरी भी अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। Okay. और देखो कोई बड़े से बड़ा यूट्यूबर भी आपका प्रमोशन कर देगा ना, फिर भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, उल्टा आपका चैनल बर्बाद हो जाएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में बताऊंगा। लेकिन अभी वीडियो की कहानी पे आते हैं। सो गाइज, ये कमेंट पढ़ने के बाद मेरे को एक आइडिया आया और शायद तुम लोग सही सोच रहे हो मैंने इस बंदे को कस्टम के लिए चैलेंज किया कि भैया आ जाओ कस्टम खेल लेते हैं, इससे मेरा भी कॉन्टेंट बन जाएगा, आप भी वीडियो रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर नाक देना और आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। मस्त प्लान है। मीन्स बंदे ने प्लीज बोला है तो भैया कर देते हैं प्रमोशन, ठीक है। इसीलिए भाई का चैनल एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अगर आप इनके वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो ही इनको सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर आप सिर्फ डेड सब्सक्राइबर बन के रहोगे तो इनका चैनल बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल हम लोग दोबारा से अपनी वीडियो पे आते हैं। सो गाइज, उसके बाद इन भैया ने ओके भाई लिखा एंड हमने अपनी UID दे दी और फिर हम लोग फ्रेंड बन गए। लेकिन गेम में जब ये बंदे ने अपना क्लासिक इमोट दिखाया ना, तब तो सही में भैया तुम्हारे भाई की धड़कन बिल्कुल हाई लेवल पर पहुंच गई थी और इस पॉइंट पर मेरे को लगने लगा था कि ये बंदा भैया अपने बस का नहीं है और शायद ये वीडियो कभी ना बन पाता। लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ी हिम्मत दिखाई और कंटेंट के चक्कर में हम लोग चले गए इस बंदे से 1v1 कस्टम करने, एंड देखते हैं अब हमारे साथ आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल हम लोगों ने एक डेजर्ट ईगल ली एंड एक ग्लूअल ले लिया और चले गए इस बंदे से भिड़ने। एंड गाइज, इस मैच में हम लोग स्काइलर कैरेक्टर को यूज कर रहे हैं जो कि कस्टम के लिए भैया बेस्ट होता है, तो 2 या 3 किल तो हम भी इजिली निकाल ही लेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग देख रहे थे कि भैया बंदा है कहां पर, और सही बताऊं तो मैंने यहां पर बहुत ढूंढा। अरे भाई साहब, बंदा पीछे से आ गया है और भाई साहब इसने ग्रीन क्रिमिनल, मीन्स मेरे को नहीं, अरे भाई लाइफ तो देखो यार, 1 HP हो चुकी है हमारी, लेकिन ग्लूबल ने हमें अभी तक बचा के रखा है और भाई साहब स्काइलर कैरेक्टर भी अपना काम कर रहा है, अपनी लाइफ धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, लेकिन इतना काफी नहीं है, मेरे को पीछे जाके लाइफ बढ़ानी पड़ेगी मेडकिट से। एंड ये कंटेनर के डोर के पीछे भैया अच्छा कवर मिलता है तो हम लोग, अरे भाई साहब आपको शायद नहीं दिखा होगा लेकिन ये बंदा यहाँ से इधर साइड कंटेनर के इधर साइड आ चुका है। यस, यहाँ पर भाई ने ग्लूवल लगा, अरे भाई साहब इधर साइड भी ग्लूवल लगा दिया तो हम लोग भी यहाँ पर एक ग्लूवल लगा देते हैं और ग्लूवल से ही अपनी लाइफ इंक्रीज हो जाएगी मेरे ख्याल से। हाँ भाई, स्काइलर कैरेक्टर सही में बेस्ट है, मेरी लाइफ फुल हो चुकी है एंड अभी तक हमने एक भी मेडकिट को यूज नहीं किया है। और फिलहाल हम लोग मैच पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं एंड पूरा फ्लैंक मार के, अरे भाई साहब बंदा पीछे जा चुका है और भाई साहब अब आप कैसे बचोगे? मोको ने परफेक्ट इनकी लोकेशन बता दिया और भाई साहब मजा आया। तो अब अपना खाता खुल चुका है एंड अब हम लोग UMP ले लेते हैं, चलिए, एंड तीसरे का वेस्ट भी ले लेता हूँ। और गाइज, मैं आपको ये बता रहा था कि मेरे को अभी तक पता ही नहीं था कि ये बंदे के पास ग्रीन क्रिमिनल भी है। मीन्स सही में नहीं पता था भाई, लेकिन अब पता चल चुका है और अब इस वीडियो में ज्यादा ही तड़का लगने वाला है। लेकिन फिलहाल हम लोग कस्टम पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं एंड पता नहीं क्यों ये ग्रीन क्रिमिनल वाले भैया मिल ही नहीं रहे हैं। भाई सही में यार, मैंने इन्हें यहाँ पर बहुत ढूंढा लेकिन ये पता नहीं कहां पर अदृश्य हो गए थे। लेकिन फिर भी हमने खोज जारी रखी एंड 70 years later मैंने ढूंढता बूढ़ा हो चुका हूँ लेकिन अभी तक इनका कोई नामो निशान ही नहीं है। पता नहीं इन्हें जमीन खा गई या तो आसमान निगल गया हमें। अरे भाई भाई गाइस, अब सही वॉइस में आ जाते हैं एंड हमने इन्हें बहुत ज्यादा ही डैमेज दे दिया है भाई, तो हम लोग फ्लैंक मार के जाते हैं और गाइस यहां से मारेंगे। अरे भाई साहब, तो यहां पर हमने दूसरा राउंड भी जीत लिया है एंड अब तुम्हारे भाई की हार्ट बीट थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होने लगी है और अब हम लोग ले लेते हैं AWM जो कि मेरे को बिल्कुल भी चलाना नहीं आता। क्या गुंडा बनेगा रे तू?
लेकिन हाथ में पकड़ने से थोड़ी अच्छी फीलिंग आती है, इसलिए हमने ये ले लिया है। और कभी हेडशॉट लग जाता है तो भैया अपना प्यारा सा थंबनेल बन जाएगा। लेकिन अभी थंबनेल को गोली मारते हैं एंड अपने वीडियो पे आते हैं। सो गाइस, अभी अपना जोन बहुत ही छोटा हो चुका है एंड मैं ओपन में भटक रहा हूँ भाई, एंड मेरे को पता ही नहीं है कि अपना ग्रीन क्रिमिनल कहाँ पर छुपा है। लेकिन 100% की गारंटी है कि ये आगे ही कहीं पर छुपा है। तो हम लोग यहाँ से लेफ्ट से फ्लैंक मार के जाएंगे एंड यहाँ पर ग्लोअल लगा देते हैं और भैया नीचे चले जाता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर बहुत डर लग रहा है भाई। मींस थोड़ी बहुत हॉरर टाइप फीलिंग आ रही है क्योंकि पीछे से भी गोली पड़ता। अरे भाई साहब अगर थोड़ी देर हो जाती ना भैया, मेरा काम खत्म था। लेकिन कोई ना, भाई ने हमें लाइक दे दिया, वही बहुत बड़ी बात है। एंड अब हमने 3 राउंड जीत लिए है भाई। मींस मेरे को थोड़ी गड़बड़ लग रही है यहाँ पर। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़। सही में यार, यहाँ पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जब मेरे 6 किल हो जाएंगे ना, तब ये बंदा अपना प्रो वाला गेम प्ले दिखाएगा और मेरे मुंह से निवाला छीन के ले जाएगा। लेकिन फिलहाल ये भाई साहब घर में जा चुके हैं एंड शायद मुझे लग रहा है कि इन्होंने हमें देख लिया। अरे भाई साहब, यस गाइस, इन्होंने हमें देख लिया है और ये खिड़की से टीपीपी ले रहे हैं। लेकिन अब तुम्हारा भाई AWM। अरे भाई, लेकिन कोई ना, अब हेडशॉट मारने की कोशिश रहेगी ताकि हमारा थंबनेल बन जाए। अरे भाई साहब बाहर निकलिए थोड़ा सा। अरे बॉडी लग गया। चलिए रश मारते हैं गाइस। और घर के पीछे से हम लोग रश मारते हैं क्योंकि ये पीछे ही बैठकर अपनी लाइफ बढ़ा रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक ग्लोवल लगा देते हैं एंड शायद यहीं पर, अरे हाँ यहाँ पर ही है। और गाइस हमारा रीलोड आ चुका है एंड यस, इतनी खुशी। लेकिन हमें इतना खुश होने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि जैसे क्रिकेट मैच में आखिरी बॉल तक कुछ भी हो सकता है, वैसे ही जब तक बोया नहीं हो जाता तब तक भैया बाजी किधर भी पलट सकती है। और वैसे भी अपने सामने तो ग्रीन क्रिमिनल खेल रहा है भाई, तो ये मैच अपने हाथ में से कभी भी निकल सकता है, इसलिए हमें आखिर तक बेस्ट ही देना है। एंड फिलहाल हम लोग, अरे भाई, सो गाइस यहां पर अपनी लाइफ कम हो चुकी है एंड भैया ने रश भी कर दिया है, तो हम लोग ग्लोवल के पीछे आ जाते हैं और इन्हें डैमेज पड़ा एंड भाई साहब, अरे जोन आ गया भाई साहब, यहां पर हम लोग मर सकते हैं। और भाई मेरे को यहाँ पर सही में लगा था कि अब हम लोग नहीं बचने वाले, लेकिन शायद ये बंदे की लाइफ हमसे कम होगी इसलिए ये हमसे पहले मर गया भाई। एंड इसी की बदौलत हमने 5 राउंड भी जीत लिया है। मींस यार सही में ग्रीन क्रिमिनल के सामने 5 राउंड जीतने का मजा ही कुछ और है। एंड गाइस आप लोगों ने एक चीज नोटिस की नहीं? अरे नोटिस की होगी यार, जरा दिमाग पे जोर डालो। अरे यार की होगी आपने शायद। अच्छा छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ गाइस, अभी तक हम लोगों ने स्काइलर कैरेक्टर की एक्टिव एबिलिटी को यूज ही नहीं किया है। मगर क्यों? मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने 5 राउंड जीत लिया है एंड अब आ चुका है क्लॉक टावर का राउंड। और गाइज अगर आपको ना पता हो तो हम लोग क्लॉक टावर माइनक्राफ्ट में भी बनाने वाले हैं एंड इसकी पहली वीडियो रिलीज भी हो चुकी है। सो अगर आप देखना चाहते हो, अगर आप क्लॉक टावर माइनक्राफ्ट में बनाना चाहते हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी मैच पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो यहाँ पर गाइज मेरे को लग रहा था कि अपना बंदा ऊपर छुप के बैठा है, इसलिए हमने वहां पर पहले ग्लोवल लगाया एंड अब हम लोग यहाँ पर रश भी मारने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर कोई बंदा दिख, अरे भाई साहब यहाँ पर टीपीपी ले रहा था भाई, लेकिन इनको हमने डैमेज दे दिया एंड मेरे को लगता है रश मारेंगे। और भाई साहब भाग गए, वहां पर टीपीपी लेने चले गए ये भाई साहब। लेकिन अरे भाई नहीं लगा, लेकिन कोई ना गाइज हम लोग ऊपर जाते हैं और यहाँ पर इन्होंने ग्लूवल भी प्लेस कर दिया है, तो हम लोग पीछे से जाकर इन्हें मारते हैं। एंड गाइज अरे भाई साहब ये तो एक ही गोली के ग्राहक थे। एंड गाइज यहाँ पर मैं स्काइलर कैरेक्टर का यूज कर सकता था लेकिन पीछे भी रास्ता था भैया जाने का, तो हमने वहां से मार दिया। एंड फाइनल राउंड तो अब है, तो देखते हैं ये भैया क्या करते हैं, हमें प्रो प्लेयर बन के मारते हैं या तो खुद ही मर जाते हैं। और गाइज अगर आपको मैं हिंट दूं कि आगे क्या होने वाला है तो आप एक बार स्क्रीन पर टैप करके देख सकते हो, वीडियो की टाइमलाइन से आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। और अगर आपको नहीं पता चला तो ये देख लो गाइज, यहाँ पर ये बंदे ने ग्लोअल लगाया एंड हम लोग यहाँ पर भी ग्लोअल लगा देते हैं और इन्हें जोन में फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये ट्रक के इस साइड से हम पर रश मार देता है एंड गाइज हमने 2 गोली मारी और यहाँ पर बंदा फिनिश। और गाइज हमने ये मैच को 7-0 से जीत लिया है। लेकिन कोई ना भाई, गेम में हार जीत तो होती ही रहती है एंड आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है तो वो आप कर लेना, ठीक है। और अब मैं आपको रीजन बताता हूँ कि किसी के प्रमोशन करने से आपका चैनल डेड कैसे हो सकता है। तो देखो गाइस सिंपल है, अगर कोई बंदा किसी के कहने से आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है तो वो आपको सब्सक्राइब तो कर लेगा और आपकी 1-2 वीडियोस भी देख लेगा, लेकिन वो आपकी 1-2 वीडियो ही देखेगा सिर्फ। मींस उसके बाद वो खाली नंबर का सब्सक्राइबर बन जाएगा, वो आपकी वीडियोस को नहीं देखेगा एंड इससे आपको ही नुकसान होने वाला है, ठीक है, क्योंकि उसने आपका कंटेंट देखकर आपको सब्सक्राइब नहीं किया है, उसने किसी
किसी के कहने पर आपको सब्सक्राइब किया है और अगर उस बंदे को आपकी वीडियो में इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो भैया वो आपकी वीडियो कैसे देखेगा। इसीलिए भैया कभी भी प्रमोशन के पीछे मत भागो, अपने कंटेंट पर फोकस करो एंड मेहनत करो, फिर आपको यूट्यूब खुद ब खुद प्रमोट करेगा, ठीक है। और गाइस जाते जाते भाई के चैनल को एक बार चेक करके जरूर जाना, इनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ना आयन कॉन्ग गेमिंग तो वहां पर टॉप पर आपको इनका चैनल दिख जाएगा, ठीक है। अगर आपको इनके वीडियोस में इंटरेस्ट हो तो ही इनको सब्सक्राइब करना। एंड बस अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो अपना चैनल समझ के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे भी आपके लिए ऐसी कमाल कमाल की वीडियोस आती रहेगी। और मिलता है आपसे ऐसी कमाल की वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टाटा।